अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू HAGFX। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज भी हम एक टी शर्ट का डिज़ाइन बनाएंगे, तो सब्लिमेशन टी शर्ट के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। ये मॉकअप है, तो सबसे पहले हम ऐसे एक लाइन लगा लेंगे बॉक्स, इसको हम इसके इसके बिल्कुल सेंटर में कर देंगे। ऐसे सेंटर में कर दिया। चौड़ाई आप अपने हिसाब से देख लें, इतनी बहुत है वैसे। इसको हम रोटेट करके तीन इसकी कॉपीज कर लेंगे, सेम साइज में, सेम बीच में अंदर डिफरेंस हो इसके, इस तरह से। इसको इसके सी सेंटर में कर लिया। अब हम इसमें इफेक्ट लगाएंगे। इफेक्ट लगाने के लिए हम इसे और थोड़ा ऊपर की तरफ लंबा कर लेंगे, आगे से बाद में हम काट सकें। तो इतना हो गया। इन दो को हम एक और इफेक्ट लगाएंगे, और बाकियों को हम तीनों को हम अलग-अलग इफेक्ट नहीं लगाएंगे, एक ही इफेक्ट लगाएंगे तीनों को। इसके लिए हम F11 प्रेस करेंगे इस टूल के लिए। इधर से हम इसको 90 डिग्री कर देंगे इस साइड पे, आगे ऊपर नीचे हमें इफेक्ट चाहिए। इधर कलर करेंगे हम ब्लैक कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी। सेंटर के अंदर हम एक ऐड करके तो इसको इधर रेड कलर दे देंगे, ये वाला रेड कलर, इस तरह से। ये रेड कलर थोड़ा कम है, तो इसे ज़्यादा करने के लिए भी हम एक और इधर नॉड लगाएंगे और एक इस साइड पे लगाएंगे। इन सब को हम वही वाला रेड कलर कर देंगे, इस तरह से। इसको भी यही रेड कलर कर दिया, तो भी थोड़ा और खोल लिया, चौड़ा कर लिया। इसको भी ओके कर दिया। इस तरह हम इन तीनों को कलर हमने कर लिया है। इसको हम नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ उठा लेंगे ऐसे, और अब ये जितना ऊपर है इसको हम बाहर बाहर से काट देंगे। कैसे काटेंगे? इन दोनों की हम प्लस के साथ करेंगे कॉपी, तो उठा के ऐसे बाहर की तरफ करेंगे और इसको इसके साथ हम ट्रिम कर देंगे। इसको इसकी भी कॉपी की हुई है हमने, इसको भी ऐसे उठाएंगे ऊपर ले जाएंगे, इसके साथ इसको ट्रिम कर देंगे। इसी तरह ये कॉलर की भी, कॉलर की भी हम प्लस के साथ कॉपी कर लेते हैं। इसको भी इधर से उठा के ऊपर ले जाएंगे और इसको ट्रिम कर देंगे और ये डिलीट कर देंगे, इस तरह से। नीचे से भी इसे इकट्ठा करने के लिए हम पहले ये ग्रुप तो है, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ट्रिम कर देंगे, नीचे से भी पूरा हो जाएगा। अब हम इसके दरमियान में एक रेड कलर कर देंगे, इस तरह से। रेड कलर करके आप वही इफेक्ट जो हमने F11 के साथ ऊपर लाइंस में लगाया था, नीचे भी हम लगाएंगे। इधर से 90 डिग्री ही कर देंगे फिर से। इधर अब इस दफ़ा हम दोनों साइडों पे करेंगे रेड कलर, दरमियान में ब्लैक लगाएंगे। दरमियान में ये नॉड ऐड की है, इसको हमने इधर से ब्लैक कलर कर दिया, इस तरह से। ब्लैक कलर ना आपने ज़्यादा करना है ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम करना है कम भी कर सकते हैं। इस तरह से हम तकरीबन इतना इसे ब्लैक कर लेंगे। बाकी शर्ट का कलर भी हम सॉलिड ब्लैक ही कर देंगे, इस तरह से। ये पॉइंट हम इसके रेड कर देंगे, इसको भी अंदर से रेड कर देंगे, कॉलर ब्लैक लेने देंगे। इसी चीज को हम सबको कॉपी करके तो इधर पेस्ट करेंगे और इसको ऐसे काट देंगे। इसको ग्रुप करके इसके सेंटर में कर लेंगे हम, और यही सब चीज हम इसे अनग्रुप करके इसे दोबारा तोड़ेंगे ऐसे, और ये शेप टूल के साथ इसको मुकम्मल करेंगे ऊपर तक, इस तरह से। इसको भी हम शेप टूल के साथ पूरा कर देंगे ऐसे ऊपर की तरफ।
इसको हम काटने के बजाय इसके पेज डाउन कर देंगे। इसके साथ हम पेज अप कर दिया उसको, ये थोड़ा सा अगर सेट करना पड़े, फ्रंट बैक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उस हिसाब से सेट कर लेंगे पेज अप। फिर से नीचे हम सॉलिड ब्लैक कर देंगे सारा, और इधर कफ पे हम रेड कलर कर देंगे। तो अगर आपने पीछे कुछ लिखना है, आगे कुछ लिखना है, जो भी अगर आप लिखना चाहें, तो इधर हम पीछे प्लेयर नेम लिख लेते हैं, इसके लिए हम फॉन्ट कोई भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, ये लिख लेते हैं फॉन्ट। इसे गुलाई में करने के लिए इधर राउंड लगाएंगे एक, इसके इसको सेंटर में करेंगे, कलर बेशक आप कोई और कर देंगे आपको वजह नजर आए। इसको इसके साथ हम सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट में जाएंगे, और ये फिट टेक्स्ट टू पाथ, इसे हम क्लिक करेंगे, इस तरह इसका ये नेम ऊपर आ जाएगा इधर। इसको राइट क्लिक करेंगे हम और ब्रेक अप आर्ट कर देंगे, और ये लाइन से इसको रिलीज करेंगे। तो कंबाइन कर लिया सबको तरह से। नीचे अगर आप कोई नंबर लिखना चाहें तो नंबर के लिए ज़रा स्ट्रेट फॉन्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो हाइट जिसकी ज़्यादा हो उस हिसाब से आप कोई फॉन्ट भी ले लें। तो ये फॉन्ट ले लेता हूँ, ऐसे अभी इसकी हाइट ऐसे कुछ ज़्यादा कर लेंगे। फ्रंट पे भी आप कोई अगर लोगो लगाना चाहें तो आप लोगो भी लगा सकते हैं, नंबर लिखना चाहें नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी आप इधर लिख सकते हैं। फिर हाईलाइट मेन बना सकते हैं आप इस तरह से, इसको इसके इसी करके थोड़ा ऊपर की तरफ कर देंगे, इसको थोड़ा और छोटा करके थोड़ा राइट साइड की तरफ कर लेंगे, इसको वाइट कलर कर दें। नीचे इसके आप कोई अंडरलाइन टाइप लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने इस टूल का इस्तेमाल किया और ऐसे एक लाइन लगाई। इसको मैं बिल्कुल इधर से डबल क्लिक करूंगा तो ये शेप टूल में आ जाएगा, ये लाइन है एक बेसिकली, इसको हम इधर से सीधा करेंगे तरह से तरह कर लेंगे। राइट क्लिक करके इसको भी ब्रेकअप आर्ट करना पड़ेगा, इस पर लाइन होती है, अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो इस तरह नीचे इधर ऐड करके ये चीज़। ये फ्रेंड्स, हमारी टी शर्ट का मॉकअप डिज़ाइन बनकर रेडी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।